खबर पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात बीकानेर की। बीकानेर के खाजवाला क्षेत्र के 34 के वाईडी स्थित राजकीय विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते आक्रोशित अभिभावकों और स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में 61वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया, जहाँ इस समारोह में विधायक कृष्णा राम नाई ने कहा कि सब शैक्षणिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे, लेकिन शैक्षणिक के साथ खेल उपलब्धि होने पर रोजगार के साथ खिलाड़ी अपने परिवार, गांव और देश का सम्मान भी बढ़ाते हैं। टोक्यो न्यूयारा अस्पताल के 3 डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर जहाँ एक धुनी दूसरा टोंक और तीसरे को निवाई लगा रखा, लेकिन कई और वे काम कर जिससे मरीज काफी परेशान है। भरतपुर के हरेला में राजकीय पोषण अस्पताल में डॉक्टर के पद कई सालों से रिक्त है, जिससे मवेशियों को इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अजमेर के पिसांगन में उरी के 18 शहीदों को कैंडल जलाकर अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने हमले की कड़ी निंदा में सरकार से तुरंत कड़े कदम उठाने की मांग की। करौली के डोडाभीम में ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोग तरस रहे और हैंडपंप और ट्यूबवेलों की हालत खराब है, जिससे ग्रामीणों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। भरतपुर के रूपास में विभाग के कर्मचारियों ने रूपास नाका नचला पूठिया और खिजुरी गांव में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की और 2 आरा मशीनों को सेज किया। करौली के मंजायल में आंगनबाड़ी केंद्र का हेडपंप खराब है, जिसके कारण बच्चों को पानी पीने के लिए घर तक जाना पड़ता है, लेकिन शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी है। अलवर के थाना गाजी में वैश्यवर्त के अवैध अड्डे से आमजन परेशान है और लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अलवर के रामगढ़ में बस ने बाइक को टक्कर मार दी, इसके बाद घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बदराना पशु मेले का आज से आगाज होगा, जहां सूरजगढ़ विधायक शरण कुमार मेले का उद्घाटन करेंगे और प्रधान गजेंद्र ढाका समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। भरतपुर के बयान में मात्र एक नर्स के भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और डॉक्टर एपीओ के होने के बाद से यहां एक पद खाली पड़ा है, जिससे मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। अजमेर के बिनाई के आसपास के क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और रात में कृषि बिजली सप्लाई देने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बांधनपाड़ा स्थित निगम कार्यालय पर हंगामा धरना प्रदर्शन कर अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। सवाई माधोपुर के खंजार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल और साथ ही अघोषित बिजली कटौती से भी काफी परेशानी हो रही, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। जालौर के जसंतपुरा में रोडवेज के परिचालकों की ओर से यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत सामने आई है, लेकिन रोडवेज विभाग ध्यान नहीं दे रहा। जालौर के रानीवाड़ा में डूंगे से मालवाड़ा गांव को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरा के सिकराय में अगवाली में शिव मंदिर से मूर्ति क्षतिग्रस्त के मामले को लेकर सिकंदरा एसएचओ ने घटनास्थल का जायजा लिया। चुरू के सुजानगढ़ में राजकीय सुजला कॉलेज में व्याख्याताओं के लंबे समय से रिक्त खाली चल रहे हैं, जिससे लेकर छात्र संघ अध्यक्ष आनंद पिलानिया के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और रिक्त 29 व्याख्याताओं के पदों को भरने की मांग की। कोटा के खेराबाद में संचालित ब्लॉक चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को बिना किसी को सूचना दिए अपनी मर्मर्जी से रामगंज मंदिर में शिफ्ट करने के मामले में सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामवासियों के ने हॉस्पिटल परिसर में वे घटी और विरोध प्रदर्शन किया। दूसरा के महवा में लोगों ने उड़ी में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ रोष जताया और नवाज शरीफ का पुतला फूंका। हनुमानगढ़ के नोहर के सरकारी अस्पताल के पास बने सरकारी शौचालय में भ्रूण मिला, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। सीकर के लोसर में छोटे गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगा दिया और 3 महीने से स्कूल में किताबें नहीं आने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जालौर के भीनमा में बजट के अभाव में पिछले 1 साल से नगर पालिका भवन उपखंड अधिकारी कार्यालय बल्लियों के सहारे, जिसके कारण कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। झलवाड़ के जगमे मिश्रौली पुलिस ने गश्त के दौरान कुचारिया खेड़ी से ले गए मार एक युवक से तलाशी के दौरान देशी कट्टा बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के नीमराणा में उड़ी में हुए सैनिकों पर आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान की निंदा करते हुए श्रीराम प्लाजा मार्केट व्यापारियों ने पाकिस्तान के विरोध में जुलूस निकाला। जयपुर के रेनवाल में कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई और इस बार ओबीसी वर्ग का अध्यक्ष चुना जाएगा।
श्रीगंगानगर के पदमपुर में मांझवास को गुमड़ुवाली से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 62 को पक्का सारना। पदमपुर रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड को बने चंद महीने हुए लेकिन सड़क अभी से खराब होना शुरू हो गई है। टोंक के मालपुरा के रेफरल अस्पताल तक मरीज को ले जाना मौत की राह बनता जा रहा है। यहाँ सड़क की हालत बहुत ही बदतर है। झुंझुनू के पिलाने में बॉर्डर बाइक भिड़ंत में दो लोग घायल हो गए। दो घायलों को चिड़ावा ले जाया जा रहा था जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अशोक वाटिका में विधायक श्रीचंद कृपलानी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उड़ी में हुए हमले में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर विधायक कृपलानी ने आतंकवादी हमले को कायराना कार्रवाई बताते हुए पाकिस्तान के कड़े शब्दों में निंदा की और शहीद हुए वीर सैनिकों को शायद उनको नमन किया और कहा कि इन शहीदों के परिवारों को जब भी जरूरत पड़े तो देश के साथ उनके साथ खड़े हों और यह हम संकल्प लें। बारा के शाहबाद में शिक्षकों की कमी से छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो रही है। आक्रोशित छात्राओं ने रैली निकाली और नारेबाजी की। एडीएम कार्यालय पहुंचकर शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही रिक्त पद नहीं भरने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। झालावाड़ के झालरापाटन में वाहनों की आड़ा तिरछा खड़ा होने से जाम लग रहा है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के धोरीमन्ना में टैगलाइन ग्रुप की ओर से शहीद हुए 18 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ग्रुप की ओर से मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और मुख्य बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान आयोजित सभा में उप प्रधान जय रामाराम कुलदीप ने कहा कि देश के लिए प्राण देने वालों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। वहीं इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष जयकिशन भाती ने कहा कि देश के लिए जवानों ने अपने प्राणों की बलि दी है, उनकी शहादत को हम भूल नहीं पाएंगे। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चार रास्तों पर पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। वहीं बांसवाड़ा की दानपुर पंचायत समिति में पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए जिसको लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तानी झंडे जलाए। करौली के सपोटरा में रानूटा हाड़ोती सड़क के कुशल सिंह तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान दो ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोलियों को जब्त किया गया। अलवर के रेणी में अंबेडकर हॉस्टल में सिलेंडर फटने से वहां के चौकीदार रसोईया और एक बच्चा झुलस गया जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। अजमेर के नसीराबाद में बजरंग दल वीर कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई करते हुए अवैध मांस से भरा एक टेम्पो पकड़ा। अजमेर के विजयनगर में राजकीय अस्पताल रोड पर डिवाइडर निर्माण कार्य कई दिनों से ठप पड़ा और सड़क पर मिट्टी बिखरी है, इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। झुंझुनू के खेतड़ी में जसरापुरा गांव में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है जहां दुकान में युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक की मिठाई की दुकान थी। अजमेर के पुष्कर में घूमने आए एक इजरायली पर्यटक ने अजीब हरकतें की और जमकर उत्पात मचाया जिसके बाद मौजूद लोगों ने उस पर काबू पाया। झुंझुनू में सिंघाना के कुठानिया में किसान का मर्डर और डकैती मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुठानिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने सिंघाना में रैली निकाली और बाजार को बंद करवाते हुए थाने का घेराव किया। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर की रात को आरोपियों ने लीलाराम गुर्जर की हत्या कर 40-50 मवेशी चोरी कर लिए थे और 8 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं सैकड़ों की तादाद में रैली निकालकर थाने का घेराव करते हुए गेट के सामने बैठ गए। घेराव की सूचना पर भुआना डीएसपी राम सिंह चौधरी ने 3 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया। भुआना एसडीएम नरेश सिंह तंवर भी मौके पर पहुंचे। करीब आधा घंटे तक आला अधिकारियों और ग्रामीणों की बातचीत के बाद जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 5 दिन में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे की रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस ने हत्या के दिन ही 4 स्पेशल टीमें गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगा दी थी लेकिन 8 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इसके साथ ही खबर पंचायत में फिलहाल वक्त पिछला ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।